हेलो स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम है। कल 13 सितंबर है, तो मुझे लग रहा है कि सब बच्चों ने पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी, लेकिन कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले बच्चे थोड़ा परेशानी में हैं, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले बच्चों का ये सब्जेक्ट है वो वीक है, इसीलिए इस सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट लगा है। तो उन बच्चों को मैं कुछ हिदायत देता हूँ, कुछ सजेशन दे रहा हूँ, अगर उसको फॉलो करें तो उनके नंबर और बेटर आ सकते हैं। पहले तो पहला पॉइंट ये है कि अगर वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को पूरा अच्छी तरह से लगा लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उनको अच्छी तरह से आता है तो वो उसी से पास हो सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का दोनों मिला के, दोनों को मिला के 28 to 30 मार्क्स का है, तो समझ सकते हो कितना बड़ा वेटेज है। अगर किसी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवीजन बहुत अच्छा हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, तो वो पास हो सकता है। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन श्योर है कि आएगा। तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन फंक्शन वाला जो चैप्टर है उससे इक्विवेलेंस रिलेशन का, जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव निकाला जाता है, इस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% है कि आना ही आना है। उसके बाद अगर फंक्शन की बात की जाए तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो पूछा जाता है, 1-1 और 1-2 फंक्शन आता है, तो वो वाला क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये दो क्वेश्चन हो गए, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आते हैं इनवर्स निकालना, ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट में उसका क्वेश्चन श्योर है, पेपर में मिलेगा ही, ठीक है। ये तीन टॉपिक हो गए। इसके बाद हम चलते हैं एलपीपी वाले चैप्टर पे। एलपीपी का एक क्वेश्चन आता ही है, वो भी श्योर है, और एनसीईआरटी तो केवल एक एक्सरसाइज लगाना है, तो उससे क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी में हम लोग चलें तो प्रोबेबिलिटी में 22 थ्योरम, उसका क्वेश्चन श्योर है, हर साल आता है, ठीक है। अब इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा पे चलते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का कन्फर्म है, एक क्वेश्चन आना ही है। तो कुछ ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन मिल ही जाता है, श्योर है, कन्फर्म है, पेपर में मिलेगा। अगर इंटीग्रेशन में भी बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में, उनका क्वेश्चन मिलता है। तो ये टॉपिक्स ऐसे। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लोग आ जाएं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस का क्वेश्चन आता है, होमोजीनियस इक्वेशन का, उसका क्वेश्चन मिलता है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो जिनके क्वेश्चन आते ही हैं। मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये मैंने जो चैप्टर के नेम बोले इनके मैं हर साल पेपर में क्वेश्चन देखता हूँ। तो अगर इतने देख सकते हो तो कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले बच्चे आराम से पास हो सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के और अच्छे नंबर आ सकते हैं। आगे कोई अपडेट आएगा या मुझे और लगेगा कि और चीज़ें अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ जिससे बच्चों के नंबर अच्छे हो सकते हैं, उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।